देखिए अज्जू चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आप लोगों को एक चीज की दोस्तों अब रिक्वायरमेंट होने वाली है। 1 जून से जो है वो पॉलिसी चेंज होने वाली है गूगल की, और आपको सारे मेल डिलीट करने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप अपने सारे मेल जो है दोस्तों डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं किस तरीके से सारे मेल डिलीट करना है। बहुत ईजी ट्रिक है, पर वो मिलती नहीं है इजीली, बट है ईजी। मैं आपको दिखा देता हूं। आप अपना जीमेल जो है वो इनबॉक्स लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, एक साथ जितने भी पुराने मेल है वो आपको डिलीट कर देने हैं। ठीक है, तो आपकी काफी जगह जो है वो खाली हो जाएगी। देखिए, मैंने 15 GB में से 15.13 GB यूज कर चुका हूं, मतलब ज्यादा है। उसमें से जीमेल जो है मेरा वो 4 GB यूज कर चुका है, जबकि इसके फालतू के मेल ही दोस्तों इसमें देखने को मुझे मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूं कि जीमेल को खाली कर दूं। पर अगर आपके इसमें कोई इंपॉर्टेंट मेल इनबॉक्स में पड़े हैं, देखिए सेंट आइटम के मेल नहीं जाएंगे, इनबॉक्स में कोई इंपॉर्टेंट मेल पड़े हैं, तो वो भी आप रिकवर कर सकते हैं सर्च करके। तो उसको एक फोल्डर में मूव कर दीजिए और उसके बाद आप अपना इनबॉक्स खाली करिएगा। तो जैसे अभी मैंने मेरे 80-90 हजार मेल थे, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने पर यहां आपको एक ऑप्शन दिखना चाहिए दोस्तों। यहां पर यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि 50 मेल सिलेक्टेड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से करते हैं 100 मोर मैसेजेस। 100 मोर मैसेजेस के बाद फिर से आपको सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसने अभी 100 सिलेक्ट किए, लेकिन मुझे 9586 और सिलेक्ट करने हैं। तो मैं सब सिलेक्ट कर लूंगा और यहां से मैं डिलीट दबा दूंगा। तो ये बोल रहा है कि इतने आपके डिलीट हो जाएंगे। जी हाँ, मुझे डिलीट कर देने हैं, बहुत सारे पुराने मेल हैं। तो अब ये प्रोसेस दोस्तों यहां चल रही है और सारे मेल जो है वो मेरे डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी गूगल ड्राइव को थोड़ी स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी दूसरी प्रोवाइड करने के लिए आप गूगल ड्राइव में जाके अपने फोटोज जो होते हैं वो भी निकाल सकते हैं। आप अपनी गूगल ड्राइव में कोई चीज आपने स्टोर की है तो वो भी अगर अनवांटेड है तो निकाल सकते हैं। वरना अगर आप प्लान खरीदना चाहते हैं तो 100 GB का प्लान जो है वो पर मंथ 130 रुपीज है, जो कि इंडियंस के लिए थोड़ा महंगा साबित होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये खरीद के भी आप कर सकते हैं, पर अगर नहीं करना है तो काम चलाने के लिए आप खाली कीजिए। और अगर आपका कुछ ज्यादा डेटा रहता है तो आप एक ट्रिक और है, आप अपना दूसरा जीमेल का अकाउंट खोल लीजिए, तो 15 + 15 30 GB डेटा हो गया। तो जो डेटा आप गूगल ड्राइव में या फोटोज डालते हैं उसके लिए एक ईमेल यूज कीजिए, जीमेल के लिए कंप्लीटली एक अलग ही जीमेल प्रॉपर यूज कीजिए। जैसे कि मेरे पास दोस्तों एक है, मेरा ये asgar029 है। ठीक है, पर दूसरा जो मेरे पास दोस्तों है वो है asgar.pankhania, मतलब मेरी सरनेम का। तो अच्छे वाला ईमेल अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज कीजिए। ये देखिए सारे जंक मेल है, टाइम्स जॉब्स वगैरह का है, तो कोई काम का इसमें दोस्तों ईमेल नहीं है। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं देख लेता हूं इनबॉक्स में कितने मेल हैं। अभी ये बता रहा है एक ही मेल है, हम FI कर लेते हैं। जी हाँ, एक ही मेल पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं ये इसको भी डिलीट कर देता हूं। अब यहां ट्रेस में जाकर दोस्तों आपको अगर कोई मेल चाहिए तो यहां ट्रेस में दोस्तों आपको जाना होगा, और ट्रेस में आपको कोई मेल ऐसा है कि ढूंढना है, गलती से डिलीट हो गया, तो यहां से भी आप ढूंढ सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, तो वो ईमेल को आप ट्रेस में लेकर ढूंढ के आप रिस्टोर कर दीजिए, बाकी के ट्रेस वाले डिलीट कर दीजिए। तो आपकी जो जितनी भी है, देखिए यहां से एम्प्टी ट्रेस में कर सकता हूं, तो उतने आपके ईमेल जो है वो सारे जो है वो डिलीट हो जाएंगे और स्पेस काफी खाली हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसको एम्प्टी ट्रेस हम कर देते हैं, देखते हैं एम्प्टी ट्रेस करने के बाद कितने GB खाली हो जाता है। तो अब ये ट्रेस कंप्लीट होने देता हूं मैं, और उसके बाद दिखाता हूं कि कितने GB खाली हुआ। दोस्तों 2 मिनट हो गए लेकिन अभी भी रिज्यूम नहीं हुआ है, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर देखते हैं कि कितना GB खाली हुआ। हियर वी गो दोस्तों, अब हम F5 करते हैं सभी ट्रेस। मैंने 90 हजार जितने मेल मैंने डिलीट किए। अभी देखिए जीमेल जो है वो 3.96 GB बता रहा है। रिफ्रेश के बाद देखते हैं कि कितना फ्री हुआ। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर 2 GB जितना मेरा डेटा खाली हो चुका है, 3 GB के आसपास था। अब ये 10.77 GB मेरे पास फोटोज पड़े, ये भी मैं थोड़े खाली कर दूंगा। यहां पर आप जाके, यहां पर सारे बैकअप ऑटोमेटिक होते हैं, उसको आप बंद भी कर सकते हैं। मैं बंद कर दूंगा, ऑटोमेटिक बैकअप में सारे फोटोज मेरे आ चुके थे, तो ये मैं खाली करने वाला हूं। और गूगल ड्राइव में तो कुछ है नहीं ऑलरेडी, और 1 GB के ईमेल हैं तो वो तो कोई बात नहीं है।
तो ये मेन है खाली करना। तो इस तरीके से आप दोस्तों यहां पर जाकर खाली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टेक्निकल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।